आज वाराणसी के M.R. जयपुरिया स्कूल से छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। स्कूल के बच्चों के द्वारा 500 फीट की तिरंगा लेकर मार्च निकाला गया। यह तिरंगा यात्रा को विद्यालय परिसर से ही फ्लैग ऑफ किया गया और यह मार्च शिवपुर स्टेडियम होते हुए वापस विद्यालय तक आया। इस तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में देश के प्रति देशभक्ति की नींव रखना है। इस कार्यक्रम में मौजूद वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि बच्चों के द्वारा 500 फीट की तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बच्चों में इस यात्रा के माध्यम से देशभक्ति को और भी प्रगाढ़ किया जा सके और बच्चे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझ सके। अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आसपास साफ सफाई रखना और अपने मौलिक दायित्व की जानकारी हेतु यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। दीपक अग्रवाल ने बताया कि आने वाले भविष्य की जिम्मेदारी इन बच्चों के कंधों पर ही है और इन कंधों को मजबूत करने में हमें सहायता करनी चाहिए और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये आज सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल के बच्चों के द्वारा 500 फीट लंबा तिरंगा के साथ एक तिरंगा मार्च का आयोजन किया गया है, जो आज इस प्रांगण से फ्लैग ऑफ होकर मिनी स्टेडियम शिवपुर से होते हुए वापस इस प्रांगण में आके यहाँ से लोग प्रस्थान करेंगे। ये स्कूल के बच्चों में ही जो भविष्य की नींव रखी जाती है और सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल द्वारा एक इस तरह का अच्छा कार्यक्रम किया गया, जिससे कि देशभक्ति की भावना जो है बच्चों में इस यात्रा के माध्यम से और प्रगाढ़ हो और जो राष्ट्र के प्रति जो उनका कर्तव्य है, चाहे सफाई के संबंध में हो, अन्य और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के पालन करने के संबंध में हो, उनके ड्यूटीज़ के प्रति भी और संवेदनशील हो। इस तरह की यात्राओं से जो आने वाला हमारा भविष्य है, जिन जो इन बच्चों के कंधों पर निर्भर करेगा, उनको और मजबूत करने में हम लोग को सहायता मिलती है और इससे एक उनको जिम्मेवार नागरिक बनाने में और एक अच्छे भारतीय बनाने में और एक गौरवान्वित भारतीय बनाने में इसको सहयोग मिलेगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।